तो फाइनली ट्रैफिक वाला एरिया निकाल के पहुंच चुके हैं ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पे। ये वाली जगह ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली भाई साहब व्यू देखो, मेरे सामने जो देख रहा हूँ ना, ये है श्रीनगर उत्तराखंड का, और व्यू देखो उधर आप भाई साहब, क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, अमेजिंग यार। सोचा नहीं था केदारनाथ में ऐसा व्यू होगा मई में। किरदार का अंदाजा लगाना पड़ता है काफिर के अफसाने में, मेहनत तो लगती है ना भाई कामयाबी का रास्ता बनाने में। कौन साथ देगा या नहीं देगा ये संघर्ष करने वाले हिसाब नहीं रखा करते, बिखर जाते हैं सपनों को पूरा करने के लिए, पर मेहनत को बीच मजार में छोड़ने का ख्वाब नहीं रखा करते। तो फाइनली पेट पूजा हो चुकी है, फुल है एकदम प्रोग्राम, और अब बस सोने की तैयारी है क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। आगे का सफ़र अभी बहुत लंबा है, कहाँ तक जाएंगे क्या कुछ करेंगे ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट सुबह जल्दी निकलना है ताकि शाम को एक अच्छे डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें, बस यही रहेगा। तो बाकी की बातें करते हैं सुबह मिल के और दिखाते हैं कुछ नए व्यू। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली रेडी हैं सारे, ऑल सेट गाइस, निकले चलो। हाँ भाई हो रेडी, चलिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, पंजाबी, बिल्कुल जी। मैंने पहले भी पढ़ी हुई है नहीं कि हिस्ट्री पढ़ी? हाँ जी, चलो पढ़ना फिर, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों नाउ लीविंग, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और लीव कर रहे हैं अभी पौंटा साहिब गुरुद्वारा जी को, और यहाँ पे ना वो बुक्स दे रहे थे गुरु गोविंद साहिब जी की, तो मैंने हिस्ट्री इनकी पढ़ रखी है ऑलरेडी पहले ही, तो फिर से पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ यादें संजोते रहना चाहिए। और सुबह का नज़ारा काफ़ी सही है, सुबह ही हल्की हल्की गर्मी लगना शुरू हो गई है, तो अभी बस लीव कर रहे हैं यहाँ से पौंटा साहिब से, बिल्कुल मार्केट के ना जो मेन NH है जो हिमाचल देहरादून या जो शिमला देहरादून हाईवे है उसके, जैसे ही आप चौक क्रॉस करके पौंटा साहिब का थोड़ा आगे आओगे ना, वहीं पे सामने बड़ा सा बोर्ड है गुरुद्वारा साहिब का, उससे आपको अप्रॉक्सीमेट 300-400 मीटर अंदर आना है और उसके बाद आपको दिख जाएगा गुरुद्वारा साहिब पौंटा जी का। और धूप ना अभी 7:30 हुए हैं सुबह के, बट धूप देखो अभी से गजब वाली है। हाँ हाँ, बट अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट करने का मज़ा ही अलग है। तो लेते हैं एक बार फिर से भोले बाबा जी का नाम, हर हर महादेव, करते हैं अपनी केदारनाथ राइड की शुरुआत। Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. ये देखो यहाँ से अब एंटर कर जाएंगे हम उत्तराखंड में, एक देवभूमि को छोड़ा और दूसरी देवभूमि को पकड़ लिया। यहाँ पे है कुलाह, पुलिस चौकी कुलहा उत्तराखंड। जय बाबा केदारनाथ की जय। और राइडर भी अपने फुल मजे ले रहे हैं दोनों शौकी भाई। रात को ना गप्पे चल रही थी और कैसे रात गुजर गई कुछ पता ही नहीं लगा। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट से, और क्या अपडेट्स रहेगी, कैसा ऋषिकेश का माहौल है, किस तरह से आगे श्रीनगर का माहौल रहेगा और रुद्रप्रयाग का, क्योंकि आज की राइड अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर की होने वाली है आज की भी हमारी, और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, किस तरह रीच कर पाएंगे, क्योंकि फिक्स डेस्टिनेशन कोई प्लान नहीं किया है, बस बढ़ते चलेंगे और महादेव का नाम लेते चलेंगे। तो वहाँ जो दीदी मिले थे ना हमें गुरुद्वारा साहिब के बाहर, उन्होंने ये दी थी गोविंद प्रेम की ये बुक,
अच्छा है, इतिहास पढ़ेंगे। मैंने एक्चुअली पढ़ भी रखा है पहले भी एक बार, मैंने उनको बताया था मैं पढ़ूंगा, तो इसको ना थोड़ा रैप कर लेते हैं इसको, ये अब हिलेगा नहीं, सेट रहेगा। और अपने अशोक की भाई और योगी भाई ने करवाया यहाँ पे पेट्रोल फिल, यहाँ पे बिल्कुल देहरादून के पास हैं। और भाई साहब यहाँ देखो अभी सुबह सुबह ना एक्चुअली मंडी मुंडी सब लग रही है यहाँ पे, फुल रश है यहाँ पे देहरादून सिटी में। भाई साहब क्रॉस कर लेता हूँ पहले यार इस जाम को, तगड़े वाला है। तो फाइनली ट्रैफिक वाला एरिया निकाल के पहुँच चुके हैं ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पे। तो अब अपना जो फेवरेट पार्ट है ना, जो सही वाला जंगल है वो दिखेगा यहाँ पे, जहाँ बड़े बड़े से ऋषिकेश मतलब बड़ी बड़ी चट्टाएँ, केश ना ऋषि मुनियों के केश, वो दिखेगा यहाँ पे वो वाला। तो चलो अभी चलते हैं फटाफट से आगे। चलो चलो भाइयों, अरे योगी भाई खींच के। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. तो ये फ्लाईओवर ऊपर से सीधा चला जाएगा हरिद्वार के लिए, और हमने ले लिया है अभी रास्ता ऋषिकेश के लिए। तो सीधा है हरिद्वार और हम करेंगे अभी लेफ्ट। अब जब तक ऋषिकेश नहीं आता ना, ऋषिकेश यहाँ से है 20 किलोमीटर, और जब तक ऋषिकेश नहीं आता तो फुल आपको ऐसा ही भीड़ भड़के वाला एरिया मिलने वाला है सारा का सारा। चलो 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 भाई जी, ग्राम प्रधान जी थोड़ा तो चलाइए, धीरे धीरे ही बढ़िए आगे। UK 07 देख पा रहे हैं आप? तो UK 07 देख के ना अपने अनुराग भाई की याद आ गई अपन को, राम राम अनुराग भाई। आई थिंक ये देहरादून का नंबर है UK 07, और UK 07 राइडर अपने अनुराग भाई। तो अभी यहाँ से ऋषिकेश है 15 किलोमीटर और अब अच्छा है, अब ट्रैफिक नॉर्मल सा है, ज़्यादा नहीं है। जो मार्केट एरिया था वो क्रॉस कर दिया है। ये वाली जगह ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली। यहाँ के जो पेड़ है ना, ऋषिकेश यहाँ से अभी 9 किलोमीटर है, बट यहाँ देखो आप, यहाँ के पेड़ ना कुछ बिल्कुल अलग तरह के हैं, बड़े बड़े से एकदम घने घने से। ये देखो आप, कुछ अलग ही वाइब्स है यहाँ की, वाह फील करो आप इस चीज़ को। How's you feel? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये व्यू। और मुझे सच में ये वाला जो एरिया है ना ऋषिकेश से पहले वाला बहुत सही लगता है, ये देखो आप, वाह। तो ऋषिकेश बस पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर है यहाँ से ऋषिकेश, और यहाँ से फिर से ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, पर होप ना हो ट्रैफिक, क्योंकि अभी टाइम 10 बजने को हैं सुबह के। हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए, 5-6 घंटे में यहाँ से, आगे तो नहीं मिलेगा ट्रैफिक। माउंटेन सिनेमा, बिल्कुल बिल्कुल माउंटेन सिनेमा, सारी राफ्टिंग की भीड़ है। अच्छा राफ्टिंग के लिए सारी है, शिवपुरी तक जगह पर भी है। हाँ हाँ शिवपुरी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया, थैंक यू। राणा मोटो वर्ल्ड, अभी भी अपनी मंजिल ना केदारनाथ बाबा जी के द्वार, यहाँ से दूर हैं लगभग 220-230 किलोमीटर के अराउंड, अच्छा खासा हरन है। तो फाइनली अभी ऋषिकेश क्रॉस करके ना थोड़ा आगे आए थे, और यहाँ पे ना ढाबे दिख गए। एक्चुअली अपना
अभी कुछ खाना पानी हुआ नहीं है, तो यहीं रुकते हैं और कर लेते हैं पहले पेट पूजा। तो फाइनली अभी ऋषिकेश क्रॉस करके रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट कम लंच ही होगा अब। और ऋषिकेश क्रॉस कर लिया था, काफ़ी ट्रैफिक ऋषिकेश देहरादून हाईवे पे आपको फुल ट्रैफिक मिलता है, बट अभी जो सोनप्रयाग का रास्ता है ना ऋषिकेश से, वो सही है। और यहाँ से भी अप्रॉक्सीमेट अभी 5 से 6 घंटे और लगेंगे हमारे सोनप्रयाग तक। और तो रुके थे यहाँ क्योंकि पेट पूजा है ज़रूरी, तो पहले कर ली जाए पेट पूजा फिर निकलेंगे। ये देखो अपने दोनों बंधु, भूख सबको लग पड़ी है और फाइनली अपनी थाली आ चुकी है। थाली के चार्जेस हैं पर थाली 100 रुपये, दाल चावल रोटी। तो देखो भाई सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, क्या बात है। फाइनली दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट कम लंच कंप्लीट हो चुका है और सारे राइडर रेडी हैं। अब थोड़ी सुस्ती बढ़ गई है एक्चुअल में, बात यह है। चले भाई, और धूप देखो ऊपर, वेदर देखो भाई साहब, धूप ऐसी चिल चिलाती है ना। तो फाइनली गाइस अपना ब्रेकफास्ट कम लंच कंप्लीट हो गया और सब रेडी है निकलने के लिए। शोकी भाई चलो, जय शंकर की। एक्चुअली यहाँ पे खाना खाया ना भाई साहब, गर्मी इतनी भयंकर थी क्या बोलूँ मैं, एकदम से गर्म हो गए, ऊपर से धूप देखो आप। 2 दिन पहले का वेदर और 2 दिन बाद का वेदर आप सोच नहीं सकते, बट आप बाइक पे आ गए हैं ना तो थोड़ा सही है। हाँ हाँ हाँ, हल्की हल्की हवा लगनी शुरू हुई, उफ जान में जान आई, नहीं तो एकदम गर्म। बट खाना ठीक ठाक सा था, ट्रैवलिंग में आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है हमेशा। ये देखो ऊपर, यहाँ से देखो आप माउंटेन्स बिल्कुल एकदम सही वाले, पूरा एकदम क्लियर। बस यहाँ से ना आय हाय केदारनाथ बाबा की वाइब्स आना शुरू, मिलना शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो ये है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है उत्तराखंड का श्रीनगर। तो ये है श्रीनगर की मार्केट, उत्तराखंड के श्रीनगर की मार्केट, काफ़ी अच्छा खासा क्राउडेड एरिया है ये भी। लास्ट ईयर की मेरी केदारनाथ राइड की यादें भी ताज़ा होगी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तगड़ी बारिश पड़ी थी मुझे, और पूरा यहाँ से लेके ऋषिकेश तक मैं भीगता गया था ऑलमोस्ट। ये देखो आप यहाँ पे श्रीनगर के बाद का व्यू ना एकदम से सुहावना सा हो जाता है। नीचे ये सारा आई थिंक डैम है, पानी सारा रोक लिया गया है, जो रुद्रप्रयाग में जो संगम है ना अलकनंदा और मंदाकिनी जी का, उसी के ऊपर आई थिंक ये बनाया गया है डैम। तो नीचे जैसे पानी बिल्कुल भी नहीं था श्रीनगर के नीचे, तो यहाँ सारा पानी रोका गया है, क्या सही वाइब्स आ रही है। और स्काई देखो एकदम से ब्लू है, वाह। वो सामने आप देख पा रहे हैं वो है धारी देवी, माता धारी देवी जी का मंदिर, बिल्कुल देखो आप बिल्कुल गंगा नदी के बीचों बीच है माता धारी देवी जी का ये टेंपल। जय माता दी। यहाँ से देखो आप पूरा माता धारी जी का मंदिर। जय माता धारी जी। जब केदारनाथ जी में परले आई थी तो उस टाइम से धारी माता जी का मंदिर काफ़ी फेमस हुआ था, क्योंकि जो फ्लड आया था ऊपर से सारा, और ये जो मंदिर है माता धारी जी का बिल्कुल नदी के बीचों बीच है जैसा कि आपने देखा अभी, तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। मतलब वही है कि वो देवी शक्तियों का
जो वास रहता है ना, एक पॉजिटिविटी रहती है, उसी की वजह से ये आ चुके हैं अपने दोनों राइडर। एक्चुअली फ़ोटो शूट के लिए खड़ गए थे वहीं धारी माता जी के मंदिर के सामने फ्रंट में, और वहीं से माथा टेका, और अभी बढ़ चले हैं आगे सोनप्रयाग की ओर। यहाँ से आई थिंक सोनप्रयाग है 100 किलोमीटर के अराउंड, तो फिर चलते हैं आगे। ये वाला जो पैच है ना, श्रीनगर के बाद धारी माता जी के मंदिर के बाद का ये पैच, ये अभी तक भी ऐसा का ऐसा ही है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, एक तो बैंक साइड है और ऊपर से लैंडस्लाइड वाला एरिया है सारे का सारा। और ये आप देख ही पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम से टूटा फूटा सा रास्ता है। फाइनली अभी पहुंच चुके थे रुद्रप्रयाग में, और यहाँ मेरा फ्यूल फिलिंग करवा रहे हैं। क्या है भैया, 97 चल रहा? तो ये है रुद्रप्रयाग, से पीछे से कटता है रोड केदारनाथ बाईपास ये, और ये ऊपर वाला सीधा रोड जो निकल जाता है आगे बद्रीनाथ धाम के लिए, और हमने ले लिया है रोड अभी केदारनाथ धाम के लिए। अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हो बद्रीनाथ धाम के लिए, तो यहीं से रुद्रप्रयाग से सीधा ही रोड आपको ले लेना है आगे के लिए, और हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम के लिए, तो हम कट गए हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा बोर्ड है मेरे सामने, आप देख पा रहे हैं, श्री केदारनाथ यात्रा 2023 का बनाया गया है। यहाँ पे पूरे जो धार्मिक स्थल है ना, वो भी दिखाए गए हैं, तुंगनाथ जी, चंद्रशिला जी, रुद्रप्रयाग संगम, और ये पूरा मैप पैदल यात्रा का भी बहुत सही, एक नंबर। यहाँ पे देख पा रहे हैं हल्की हल्की ना बारिश शुरू हो गई है, पहले एकदम सही था वेदर, पूरी चिल चिलाती धूप, और अभी एकदम से ऊपर देखो आप, वाह एकदम मिजाज बदल गया है। कृपा कर दो प्रभु जी, बारिश नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ आप भी सब प्रे करो और नीचे लिख दो जय केदारनाथ बाबा की जय। हाँ ऊपर टॉप पे देख रहे हो आप, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रखी है टॉप पे पहाड़ों के ऊपर, जो लेटेस्ट जो अपडेट है, हल्का हल्का स्नोफॉल टॉप की पीक्स पे, जो केदार वैली की टॉप्स की पीक है वहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रखी है फ्रेश एकदम। और वहाँ पे ना देखो आप, ऊपर धूप गिर रही है ना अभी शाम की, तो बहुत गजब का ये व्यू दिख रहा है, अल्टीमेट अमेजिंग, जय केदारनाथ बाबा। आगे लगाते हैं, आगे चलो, आगे लगाओ इनके आगे गाड़ियों के, चलो है जगह, छोटे छोटे बच्चे जो है ना हाय कर रहे हैं आगे से, आगे सुनाएंगे आगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है बारिश की तैयारी चल रही है, पूरी साइड से पक्की हो रही है सड़क, पानी निकलने के लिए ना जगह बनाई जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जाम मिल गया। और भाई ये देखो ट्रैफिक देखो यहाँ पे, यहाँ से सोनप्रयाग है आई थिंक 10-12 किलोमीटर, बस लगभग आधा घंटा और लगेगा सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। अभी देख रहे हैं जाम देखो, अच्छा खासा जाम है, चलो क्रॉस कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे।
फाइनली वी आर एट केदारनाथ पार्किंग। तो फाइनली दोस्तों रूम की बात कर ली है सोनप्रयाग में। भाई चार्जेस यहाँ के रूमों के ना बहुत ज़्यादा महंगे हैं एक्चुअल में, बहुत सही तगड़े वाले, क्योंकि 4,000 से नीचे रूम नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ लगा के ना एक रूम किया है। तो अभी बताता हूँ किस तरह से क्या हुआ, किस तरह से रूम किया। वो देखो हमारे योगी भाई। हेलो योगी भाई, फाइनली आप सोनप्रयाग में हैं, अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप तो थके लग रहे हैं यार। बिल्कुल नहीं, एक्साइटेड हैं। तो एक्साइटेड है तो ट्रैक तो सुबह ही हो पाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गए हैं, 8:30 हो गए हैं, और ऊपर सोनप्रयाग से रात को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास गौरीकुंड में बुकिंग है या कहीं और बीच में बुकिंग है वो दिखानी पड़ेगी आपको, या बात करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी सामान वगैरह उठाते हैं, भैया गाड़ी लेके आ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे होटल में। फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके थे हम सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग में ना रूम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो कि सोचा नहीं था केदारनाथ में अभी केदारनाथ ऐसा व्यू होगा मई में, सीजन की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्रेश स्नोफॉल ना, एकदम हल्की हल्की ये जो सनलाइट गिर रही है ना इसके ऊपर, अमेजिंग सा व्यू देखो। सामने बार्गेनिंग करने के बाद भैया 1800 रुपये में माने हैं तीन बंदों के लिए, 1800 रुपये में जायज़ है, पर हेड 600 रुपये इतना तो चलता है, क्योंकि यहाँ पे वो हमारा सामान वगैरह भी सारा रख लेंगे, क्योंकि जब ऊपर ट्रैक में जाएंगे तो हम वही सामान कैरी करेंगे जो हमें ज़रूरी है, जैसा कि हमारा कैंपिंग का सामान, क्योंकि ऊपर भी आई थिंक बहुत ज़्यादा रेट होंगे रूम्स के, या जो भी कुछ रहेगा वो शेयर करूँगा मैं जो कल ट्रैक की वीडियो होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। अगर मन में कोई डाउट हो केदारनाथ राइड के रिगार्डिंग या रुकने के रिगार्डिंग इसका, अगर इस रूम के बारे में और कुछ जानना चाहते हो, अच्छा खासा वेल फर्निश्ड है ये देखो, यहाँ पे डबल बेड है, यहाँ पे सिंगल, अभी थोड़ा मैशी कर रखा है हमने पूरा सामान वगैरह ना, एक्चुअली सुबह की तैयारी हो रही है। ये टॉयलेट वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, न्यू है एकदम से। तो यहाँ बट ये थोड़ा जो रूम है ना ये थोड़ा आउटसाइड है, एक्चुअली जो सोनप्रयाग है उसके लगभग आई थिंक 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर आके हैं। ये देखो वो जो नीचे आपको दिख रही है ना जहाँ लाइट्स हैं, ये है सोनप्रयाग की मार्केट। ये थोड़ा आउटसाइड है, उसी की वजह से भैया ना थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद, मतलब थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाने के बाद ना भैया फाइनली मना लिए हमने 1800 रुपये। बाकी भाइयों सेट हो ना सारे? ऑल सेट। तो अभी ये जो है ना ये बैग पैकिंग हो रही है, पूरा ये सामान जो देख रहे हैं ना आप, क्योंकि जो ट्रैक के लिए कल हम निकलेंगे ना ऊपर बाबा जी के, केदारनाथ बाबा जी के, तो उसमें वही चीज़ें कैरी करेंगे जो ज़रूरी हैं, तो बाकी सामान यहीं छोड़ के जाएंगे हम। तो मिलते हैं नई वीडियो में, कल सुबह ट्रैक करेंगे केदारनाथ बाबा जी के, वहाँ जाएंगे दर्शन करेंगे, वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाली वीडियोज़ में, कैंपिंग किस तरह से हम रहते हैं, स्टे रहते हैं, क्योंकि ऊपर स्नो भी है, तो वो किस तरह से रहेगा वो सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। तब तक ना होता शीतलाना साइनिंग ऑफ, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट ड्यूरिंग योर राइड, एडवेंचर करते रहो फुल दबा के। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a